सो हेलो गाइस, बैक इट अगेन। और मैं हूँ अभी यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, अपना जहाँ पे मैं रात को रुका हुआ था। ये मेरा इतना सारा सामान मैंने बिखेर के पटक दिया है। और आज के इस ब्लॉग में आज हम लोग जाने वाले हैं एक यहाँ पे है ना, मतलब झील है, वहाँ पे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भाई के घर जाएंगे हम लोग। बाकी ये वाले भाई है मेरे दोस्त है जो यहाँ मुझे होस्ट कर रहे हैं। और ये देखो भाई साहब, आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। अब हम लोग यहाँ रुके हुए थे ना, तो आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, खतरनाक वाला। अगर छत से देखेंगे ना भाई साहब, एक नंबर व्यू आएगा आपको, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी जगह पर रुका हुआ हूँ मैं, मतलब ये देखो भाई साहब, गाइस ये देखो, चारों तरफ बादल ही बादल, और बादलों के ऊपर हुआ अभी मैं, ये देखो। अभी तो फिलहाल में बादल ऊपर चले गए हैं, वरना सुबह सुबह देखते ना ये नीचे की तरफ बैठे हुए थे सारे बादल, और ऊपर का वाला पूरा एरिया क्लीन दिख रहा था प्रॉपर तरीके से। और बाकी आज हम लोग जाने वाले घूमने के लिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं शूट करूंगा पूरे इसके अंदर। अभी मैं नई टिहरी के अंदर, ये जो लोकेशन है। बाकी कोई ना, बने रहिए अभी कंटिन्यू ब्लॉग में। मेरे दोस्त के घर आ गए, यहाँ पे आंटी जी मेरा वेट कर रही है। नमस्ते दीदी, सॉरी सिस्टर। आंटी नमस्ते। हाँ आंटी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी ये दीदी वगैरह, और अंकल जी देखो मेरा आरती वगैरह कर रहे हैं। चलिए भाई लेने दो, उसको लेने दो, मेरा आ नहीं रहा है, देखो अंगली आ रही है आपकी। हमारा मूड वही है बेटा, तुम्हारे आगे रहती है कोई त्योहार, वही सब वही होता है। अरे बस मन के मेरा राखी का त्योहार यही है। ये मेरे लिए ये सूप होता है ना हमारे यहाँ, ये पिठाई होती है, पिठाई होती है, टीका होता है ना, ये हल्का बहुत टीका होता है। ये जिस तरीके से स्वागत किया है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा स्वागत इस तरीके से होगा नई टिहरी के अंदर। और बाकी तो ये देखो फिर से खाना आ गया भाई के लिए, अंकल जी के लिए। नाना भाई नाना, ये देखो भाई म्यूजिक। सो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं मंदिर, काली माता के मंदिर। और ये आप चेक करो, ये सामने मंदिर है, अभी इसका व्यू दिखाऊंगा पीछे से जो नजारा है। बाकी हमारे भाई हमारे साथ, सो दोस्तों ये मैं लेके चलता हूँ आपको मंदिर के बिल्कुल जस्ट राइट साइड की तरफ। और ये आप चेक करो व्यू भाई साहब, लाजवाब व्यू, एक नंबर व्यू, मतलब पूरा के पूरा पूरी सिटी कवर हो रही है। और आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, पीछे कितना खूबसूरत आ रखा है, बिल्कुल एक नंबर व्यू। और वो सामने आपको पता है घंटा घर है वहाँ पे सामने, क्रिकेट का स्टेडियम है, एक छोटा सा स्टेडियम पहाड़ों के बीच में। और ये देखो भाई साहब, सो गाइस ये आप चेक करो, ये इतनी बड़ी बोट है और जो अभी तैयार हो रही है, इतनी बड़ी नाव बन के यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये इस पानी के अंदर उतरेगी बहुत जल्दी, ये पानी के अंदर उतर जाएगी ये नाव। ये देखो भाई साहब कितनी खूबसूरत नाव तैयार हो रही है बनके, पूरा एक चलता फिरता रेस्टोरेंट रहेगा ये। और सो गाइस ये देखिए आप भाई साहब, ये व्यू चेक कीजिए आप, कितना ही खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे ऐसा नज़ारा लग रहा है आपको, बीच जैसा फील आ रहा है, पूरा गोवा के बीच में बीच जैसा पूरा नज़ारा आएगा यहाँ पे टिहरी के अंदर। बाकी तो गाइस आप लोगों को क्या बताऊँ, वो देखो यार, वो देखो कैसे कैसे उड़ा के लेके जा रहा है उसको, देखो भाई साहब कितना खतरनाक तरीके से लेके जा रहा है, आसमान में चला गया पूरा बंदा, पैराग्लाइडिंग की तरह है ये, पूरा पैरासेलिंग बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे इसकी रेट लिस्ट वगैरह उधर लिखी हुई है, पता नहीं क्या क्या है, कितना कितना है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। ये देखो बहुत सारी चीज़ देते हैं ये, इतना इधर इधर भी देते हैं, और यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है ये देखो, एक बार पढ़ लो आप लोग। बाकी देखो भाई साहब नहा के आगे पूरा यार, कैसा लगा भाई? बढ़िया लगा, सही है भाई, सही है सही है सही है। थोड़ा सो गाइस ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ पे देखो आप, मतलब
चारों तरफ वोट ही वोट रखी हुई है अलग अलग तरीके की, कोई क्या कोई क्या कोई क्या कोई क्या। यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनना पड़ता है तभी जाके अंदर एंट्री होती है, बिना लाइफ जैकेट के एंट्री नहीं देंगे। मुझे क्या करें, मुझे तो दे दिया। बाकी ये देखो इस तरह इधर भी है ना, ये लोग क्या बताऊँ यार, इधर भी टिकट क्लियर कर दिया, ये इनका है। आगे ये बताता हूँ, रुको ये देखो, ये देखो ये वाली जो बोट है ना, ये मुझे सबसे प्यारी लगती है। इसमें ऐसा होता है ना कि यहाँ पे बैठ जाता है और ये पूरी पूरे आगे से ना पूरी ऐसे उठती है ना आगे से खतरनाक तरीके से, उसको पीछे से चलाता है बंदा, वहाँ खड़े होकर वहाँ से चलाता है। ये बड़ी प्यारी है बोट, इसमें टेंशन नहीं होती। ये देखो पूरा पूरा, और ये देखो, और ये तो फिर सिंपल है यार, इसमें तो क्या ही मज़ा आता होगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है बनाना वाली पे आता है, उस पर पता है क्या करते हैं लोग, बनाना वाली पे ऐसा होता है ना, वो जो बनाना जैसा रखा हुआ है उसमें, मैं एक बार अभी वहीं जाके दिखाऊंगा आप लोगों को, बाकी तो पहले इधर दिखा देता हूँ। ये भी है, इस पर भी बहुत अच्छा मज़ा आता है, मतलब बाइक टाइप में है ये, पूरा बाइक की तरह। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है यार, बहुत खतरनाक स्पीड में भागती है ये, पता है। और देखो स्पीड चेक करो गाइस, देखो स्पीड, वो देखो बनाना लेके चला गया और इसको पलटा देगा पूरा। देखो ये बनाना वाली बोट है, इसको पूरा ही पूरा पलटा देगा, गिरा देगा इनको पानी के अंदर जाके, पूरा लुढ़का देगा। देन उसके बाद फिर ये, और ये देखो एक चेयर जैसा है, इस पे बच्चों को बैठा के घुमा रहा है देखो। ये देखो ये भी बड़ी खतरनाक है, वो देखो बनाना लेके चला गया और अब देखना देखो कैसे पलटेगी, वो देखो स्पीड में कितना खतरनाक तरीके से पलटाएगा उसको। देखो एक दो और तीन, आई थिंक पलटाने वाला है उसको। देखो वो पलटा दी देखो वो देखो वो कूद गए, ऐसे ही कूद गए बंदे, वो देखो वो पलट गए बनाना। बहुत खतरनाक भाई, बहुत बहुत ही जबरदस्त है। चलो कोई ना, ये एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पे आके पूरा आपको है ना उसका जो गोवा वाला बीच वाला जो फील आता है ना वो आएगा पूरा। और माउंटेनिंग में भी है ना इसका, ये पैरासलिंग जो करते ना इसमें बड़ा ज़बरदस्त होता है, मतलब पैरासलिंग वाला जो होता है ना एरिया, क्योंकि वो जो नाव आ रही है ना वो आपको दिखाई दे रही है ना, उस नाव में देखो पैरासलिंग के लिए वो बंदा लटकते हुए आ रहा है, वो देखो उस तरीके से पूरा पूरा आ रहा है, अभी ये आएगा यहाँ पे, देख मैं दिखाऊंगा आपको, और किस तरीके से उतारता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। सो गाइस अभी मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे पहले जो टिहरी जो होता था वहाँ पे माना जाता है कि पहले राजा का किला था यहाँ पे, जो डैम बनने के कारण जो पूरा पूरे की पूरे जो मतलब प्रजा का जो होता है ना घर वगैरह होते हैं उनके सारे के सारे इस डैम के चक्कर में पूरे पानी में दब गए, किला वगैरह सारा पानी में डूब चुका है। और ये इस तरीके के खंडर बचे हुए हैं अभी, ये देखो इस तरीके के खंडर है, बाकी तो उधर डूब चुका है। और उधर पहले बहुत बड़ा मतलब गाँव बसता था, एक बहुत बड़ी सिटी बसती थी। और जो अंदर पहाड़ दिख रहा है ना, तो पहाड़ के अंदर भी एक गाँव है, मतलब अंदर की तरफ भी एक गाँव है। तो अभी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको, उस रास्ते को, और उस रास्ते को अपने अपने तरीके से ले लिया है, यानी उसमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स बना दिए अंदर की तरफ, जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं तो उसके लिए। बाकी तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और बाकी देखो एक अंकल है, उसकी बैंड बजी हुई है बड़ी खतरनाक तरीके से, वो देखो अंकल की मतलब ऐसा लग रहा है ना उनको बिल्कुल कांप रहे है वो पूरा के पूरा, ये देखो। इतने मोटे अंकल है ना भाई साहब, उनको बैठा दिया नाव के ऊपर, देखो